वो एक दिन दो दिन का बात है, वो तो दिखाने के लिए गया था, अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाने के लिए गया था, जनता को दिखाने के लिए। लेकिन तेल का दाम जो बढ़ोतरी होगा तो थोड़ा सा असर पड़ेगा ही, और पुनः उस पर जो है हमारे लोग इस पर चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। आम लोग तो बस से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं, तो खास लोग आपको गाड़ी से तो सर उसके भाड़ा में परिवर्तन तो बढ़ेगा ना सर, भाड़ा तो बढ़ेगा ना, प्रभाव तो पड़ ही रहा है, आंशिक रूप से थोड़ा सा बढ़ सकता है। त्राहिमाम कर रही है जनता, ऐसी बात नहीं है कि जनता त्राहिमाम कर रही है, नेता त्राहिमाम कर रहे हैं। सर आपको असर नहीं हो रहा है, आपको असर नहीं पड़ रहा है, इतनी महंगा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, असर तो थोड़ा सा तो आंशिक रूप में आता ही है, कोई चीज बढ़ता है तो आंशिक रूप में तो थोड़ा आता ही। जनता को भी तो असर पड़ेगा सर, आप बोल रहे हैं जनता जो आ जाती है, आदत हो जाता है, सरकार जो बजट लाती है उसमें कि बजट जो आया है तो किसी कारणवश आया है, महंगाई की आदत अब जनता को हो गई। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के मूल्य में भारी वृद्धि हुई है, जहां से 3 माह पूरे $20 प्रति बैरल उसकी कीमत ही बढ़कर $62 प्रति बैरल हो गई है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य बढ़ने के कारण और पेट्रोल और डीजल के दाम में वृद्धि हुई है, भारत सरकार ये प्रयास कर रही है और खाड़ी के देशों से यह वार्ता चल रही है कि जिन लोगों ने अपना उत्पादन कम कर दिया था, घटा दिया था, अपने उत्पादन को बढ़ाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द खाड़ी के देशों के अंदर और तेल का उत्पादन बढ़ेगा तो तेल की कीमतों में फिर गिरावट जो है दिखाई पड़ेगी। It is the oil marketing companies of India who will have to say whether they want to cut it down, whether they have to go up, because technically the oil prices have been freed. Government has nothing, no control over it. It is the marketing companies which import the crude, refine it, then distribute it, put the cost for logistics and everything else. So the long and short of it is the states and the center will have to sit together to see if there is a way in which we can come out, so that the consumer end purchasing power or the retail price of fuel is at a reasonable level. So I just can't be the one minister in union government to be saying, right, we bring it down now. By how much? And will that guarantee that that space is not going to be occupied by the states? Because everyone now needs money, revenue. At the same time, I can see the sense of relief when the budget did not come with one additional